हमने कुछ मुकामी गाइड बच्चे हायर किए तो ये हमें गांव घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। ये सारे फॉरेन टूरिस्ट आए हुए हैं। हम मौजूद हैं नाजरीन कैलाश के गांव बम्बुरेत के एक सब विलेज दून में, जहाँ ये लोकल एम्ब्रॉयडरी की शॉप है और ये गाइड बच्चे हमें अपने साथ यहाँ लेके आए हैं। किधर है तो चलो ना इबादत का लेके चलो। कब्रिस्तान नीचे कौन सी है इबादत का? अच्छा तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग? आप भी इबादत करते हो? बड़े करते हैं इबादत सिर्फ, यानी छोटों के लिए जरूरी नहीं है इबादत करना। ये इनकी इबादत गाह है जी। ये भी काफी कदीम इमारत लग रही है, लकड़ी और पत्थरों से बनी हुई है। ये है जी इनकी इस गांव की इबादत। क्या करते हैं फिर? खून फेंकते हैं अंदर। तो ये क्या है? किस चीज का खून फेंकते हैं? बकरी का, बकरी या बकरे का? सही। तो क्या ये जलाते क्या है इधर? सर्दियों में गर्मियों में करते हैं? कब करते हैं? करते कब है इबादत? सर्दियों में या गर्मियों? जून में। अच्छा 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 बारिश होती है। नाम क्या है? नाम क्या है आप दोनों का? सुल्तान। वाह। और आपका? हाशिम। हाशिम हाशिम माशाल्लाह। चलो चलो हमें पूरा गांव विजिट कराओ ना यार। किधर को जाना है? ये इनका लोकल नाश्ता जा रहा है। तो ये जिस तक आना है जी इनका, ये एक लोकल होटल है। ये उसी जस्त खान का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत कदीम इमारत है। और ये भी इनकी एक बड़ी मुकद्दस जगह है। ऊपर के लोकल खाना आप लोगों का क्या है? रोटी का क्या? वो जो आप लोग रोटी का क्या चीज है? लोकल नाश्ता कहाँ से मिलेगा बच्चे? लोकल नाश्ता कहाँ से मिलेगा? ये भी फेस्टिवल शुरू होने की तैयारियां हो रही है। अभी हम यहाँ के ग्रेवियार्ड जा रहे हैं, कब्रिस्तान। ये कुछ फॉरेन टूरिस्ट आए हुए तो हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, लोकल ग्रेवियार्ड। ये क्या चीज है? बिशाली। तो ये बिशाली है जी, जहाँ हमला औरतों को रखा जाता है। तो नाजरीन अब हम जा रहे हैं इनके लोकल ब्रोन गांव के कब्रिस्तान में, जहां से आपको हम इनकी यहाँ की मकामी रसूमात दिखाएंगे।
कब्रिस्तान कितनी दूर है? जी हारिस भाई, तो आप कोई और चीज एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अभी बस ये ओपन ग्रेवियर्ड आएगा इनका जी, उसके बाद फिर 8:30 बजे शुरू होगा इनका फेस्टिवल, फिर हम जाएंगे दूसरे गांव में इनके जी, और फिर 1 बजे तक फेस्टिवल खत्म होगा। सही सही सही, चले एक्सप्लोर करते हैं जी। ग्रेवियार्ड की इब्तदा में दो लकड़ी के स्टैचू पड़े हुए हैं। ये स्टैचू किस चीज के हैं? चलो चलो उनके पास चलते हैं। तो आज हम ग्रेवियार्ड का विजिट करके तो इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। तो कल अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इनके फेस्टिवल का भी विजिट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह आप इस कैलाश ट्रिप को भरपूर एंजॉय करेंगे। तो ये स्टैचूज नाजरीन निशानी है कि यहाँ पे इनके मर्द और औरतों के कब्रिस्तान मौजूद है। तो ये कब्रिस्तान की इब्तदा में ये रखे जाते हैं, लकड़ी से बने हुए हैं और इन पे बड़ी खूबसूरती से नक्शो नगार भी बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। जो अब हम आगे जा रहे हैं ग्रेवियार्ड, कब्रिस्तान चले ना। अच्छा मुझे बताओ, ये आपने चारपाई ऊपर उल्टी क्यों रखी हुई है? ये चारपाई उस बंदे या बंदी की होती है, मतलब कोई मर्दी औरत अगर फौत हो जाता है इनका, तो उसकी चारपाई उल्टी करके उसकी लाश को ऊपर, उसके लाश का ताबूत रख दिया जाता है। ये क्या बना हुआ है? ये भी निशानी बनी हुई है, ये जो आगे, ये जो ये छोटा कब्रिस्तान है नाजरीन। और कैलाश कबीले के कदीम रवाज के मुताबिक मुर्दे से रिलेटेड जो तमाम चीजें थी, उसकी चारपाई, उसका बिस्तर, उसके कपड़े, सब कुछ उसके साथ ही कब्रिस्तान में रख दिया जाता था। तो आगे इनका बड़ा कब्रिस्तान है, अभी अगर मौका मिला तो वो भी आपको विजिट करवाएंगे। बरून, बरून तो फिर आगे जाएंगे। बाते, सही बित्रीक है, बत्रीक। ये कितनी देर तक शुरू होगा फेस्टिवल? शुरू हुआ है ना, निचले गांव वाले अभी आएंगे ना ऊपर। अच्छा, 1 बजे उधर जाएगा अगले गांव में। सही, और फिर 1 बजे वहां से फिर अगले गांव में, या बस उधर खत्म हो जाएगा फिर? उधर खत्म हो जाएगा फिर जी। तो चले आगे, कल फिर से करेंगे इसी तरह फिर। सही जी, आरिस भाई चले आगे। चलो चलो, तो आज के लिए इतना ही नाजरीन, मिलते हैं अगली तकरीब के साथ, अगले किसी गांव में किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।